ऑफिस में मोदी जी आएंगे यही गुजरात के अंदर कह रहे थे। हमें लग रहा है गोदी मीडिया वाले हैं, 500 रुपए वाले पत्रकार लग रहे हैं अभी। लेकिन फकीर आदमी ये तो नहीं झुटला सकते यार, 8,000 करोड़ रुपए के हेलीकॉप्टर से चलते हैं, 10 लाख रुपए का सूट पहनते, 5 लाख रुपए का चश्मा, 3 लाख रुपए का पन, ऐसा फकीर भगवान सबको बना दे। समुद्र की गहराई को देख रहे हैं, समंदर जहां पर उन्होंने फोटो शूट करवाया वहां पर लोग जाएंगे, वहां पर कमाई होगा, ये आपको नहीं दिख रहा है? अच्छा मोदी जहां जाएंगे वहां कमाई होगी। जहां जाएंगे वही बेच देंगे, अभी आपको पता ही नहीं है, जहां वो गए थे ना मालदीव लक्षद्वीप में, वही बेच देंगे कुछ दिनों में, देखिएगा। नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। मोहब्बत तो मोदी जी करते हैं, अपनी बीवी से करी थी ना, उसको भी छोड़ दिया। हिंदू खतरे में नहीं है, पूरा देश खतरे में है। सही से देखिए, कहां जा रहे हैं? जा रहे हैं चाय बेचेंगे, जाके चाय बेचेंगे। मतलब प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं क्या? चाय बेचेंगे लेकिन देश नहीं बेचेंगे मोदी जी की तरह। वो हमको खिलाते हैं क्या मोदी जी? हमारे घर में राशन देते हैं क्या कि कमा के लाते हैं? मेरे किलो देते हैं नहीं चाहिए ऐसा, 5 किलो, 5 किलो राशन पे अगर कोई जिंदा है तो उससे अच्छा मर जाए। अगर वो सोचता है कि 5 किलो राशन भारतीय जनता पार्टी दे रही है तो सब कुछ दे रही है, तो इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी का अंधभक्त हो चुका है। लेकिन 24 में मोदी जी आएंगे यही गुजरात के अंदर कह रहे थे कि महिलाएं जो है वोट करेंगे। हमें लग रहा है गोदी मीडिया वाले हैं, 500 रुपए वाले पत्रकार लग रहे हैं अभी। 500 किलो वाले पत्रकार लग रहे हैं कि सवाल पूछ ले तो पत्रकार 500 रुपए वाले। सवाल हम कर रहे हैं, जवाब आपके पास नहीं। और कह रहे 24 में मोदी जी आएंगे, किस भी आप पे आएंगे? मोदी जी कहते हैं भाई, मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, वो क्यों नहीं भूल गए? 15 लाख हर खाते में कहा था, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, 100 गांव को गोद में लेंगे। लेकिन फकीर आदमी ये तो नहीं झुटला सकते यार, 8,000 करोड़ रुपए के हेलीकॉप्टर से चलते हैं, 10 लाख रुपए का सूट पहनते, 5 लाख रुपए का चश्मा, 3 लाख रुपए का पन, ऐसा फकीर भगवान सबको बना दे। हम भी ऐसे फकीर हम भी बनना चाहते हैं, भगवान हमको बना दे। मेरे पास भी 8,000 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर होना चाहिए, और सुबह उठू तो देखू कि समुद्र का पानी अगर नीला है तो मेरे कपड़े भी नीले होने चाहिए। समुद्र का पानी नीला है तो नीला कपड़ा होना चाहिए। अभी मोदी जी गए थे, अब देखा नहीं? बढ़िया लेट के फोटो कराए भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरी फुल मौज में है, जनता त्रस्त है। मोदी जी चाहते हैं एक प्रधानमंत्री एंजॉय करे, मतलब आप ये नहीं चाहते हैं, सिर्फ चाहते हैं कि वो काम ही करते रहे 18-18 घंटा। इस पे भी तर्क दे रहा हूँ, अगर यही काम देश के सांसद राहुल गांधी कर लेते ना तो अब तक देश विरोधी हो जाते। देखिए चले गए, ये वहां चले गए, विदेश चले गए, उनकी फोटो को विदेशी बता दिया जाता, लेकिन मोदी जी की फोटो को तो कि देखिए वहां आनंद ले रहे हैं, समुद्र को देख रहे हैं, समुद्र की गहराई को देख रहे हैं। समंदर जहां पर उन्होंने फोटो शूट करवाया वहां पर लोग जाएंगे, वहां पर कमाई होगा, ये आपको नहीं दिख रहा है कि वहां का वैल्यू बढ़ गया? अच्छा मोदी जी जहां जाएंगे वहां कमाई होगी। जहां जाएंगे वही बेच देंगे, अभी आपको पता ही नहीं है, जहां वो गए थे ना मालदीव लक्षद्वीप में, वही बेच देंगे कुछ दिनों में, देखिएगा। खबर आएगी वो भी अडानी के हाथों बिक गया, वो निरीक्षण करने जाते हैं कि देश में क्या बचा है अभी। अगर लखनऊ आएंगे घंटाघर है, देखा बेच दो इसको, कुछ नहीं बचेगा। और फिर कह रहे हैं कि अगर मोदी की दलाली आपने नहीं छोड़ी, मैं आपको कह रहा हूं अगर मोदी की दलाली नहीं छोड़ी 24 में, आपके हाथ में माइक नहीं होगा, कटोरा को भीख मांग रहे हो। कटोरा क्यों होगा? इधर आइए, इधर आइए, कटोरा क्यों होगा मेरे हाथों में? कटोरा क्यों होगा? और कटोरे में भी छेद होगा, उसका जो पैसा आएगा ना वो भी अडानी के पास जाएगा, उसमें छेद होगा निश्चित रूप से, उस पर भी टैक्स लगेगा, नया कानून आएगा। ये टोपी है ना, ये भी उतर जाएगी, जैसे मोदी टोपी आपको पहना देंगे, आपकी टोपी उतर जाएगी। लेकिन मोदी जो ईमानदार है, ऐसा ईमानदार प्रधानमंत्री? अरे मत बोलिए ईमानदार भाई, ईमानदार सब भी बुरा शर्म आ जाए उसको, किसके आगे आप लगा रहे हैं? मोदी ईमानदार, मोदी ईमानदार है, कैसे कैसे ईमानदार है? जरा 2 काम बताइए ना मोदी जी की ईमानदारी के। ईमानदारी आपको नहीं पता है? अगर आप तो खाते हैं ना खाने देते हैं, कौन? मोदी जी खुद खाते हैं, अम्बानी को खिलाते हैं, गरीबों को लेके खाते हैं, अम्बानी खा लो, अडानी खा लो, ये मोदी जी की असलियत है। और ज्यादा आप ना बोलिए। क्यों हम क्यों ना बोले? अरे हम चौथा स्तंभ है, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हुआ करता था एक समय में, अब नहीं, 2014 के पहले हुआ करता था, शायद आपने अमेठी की सांसद और जो टोल मंत्री है जो एसी में रहती है स्मृति ईरानी जी, आप लोगों की वीडियो ने देखी, दैनिक भास्कर के पत्रकार ने सवाल किया था, उन्होंने क्या कहा था मालूम है? क्या कहा था? कि आपके मालिक से बात करूंगी, नौकरी छिनवा दूंगी, और नौकरी भी चली गई। इसीलिए कह रहे हैं अपने पेट पर लात मत मारिए, ज्यादा सच मत बोलिए। हम मोदी मोदी करें, करना ही पड़ेगा आपको,
पूरी मीडिया मोदी मोदी कर रही है, आप भी बिक जाएंगे, आप भी बिक जाएंगे और शायद बिक गए हो, और शायद बिक गए हो, कोई गलत बात मैं नहीं कह रहा हूँ, शायद आप भी बिक गए 500 रुपए पत्रकार आप भी हो। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है ना, यकीन है 56 इंच का सीना है। 56 इंच सुन लीजिए, 56 इंच नहीं है, उसको सही से देखो 5 और 6 अलग अलग लिखा है। 56 इंच नहीं है, 5-6 अलग अलग, 5-6 में गैप है, वो गैप आपको नहीं दिखेगा, शायद आप भी मोदी मीडिया। माइनस है प्लस है, माइनस है, वो सब मोदी जो बात करो सब माइनस ही में जा रहा है। अच्छा, ईमानदार नहीं है, चलो ठीक है आप बता रहे हैं, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है कि नहीं? मोदी है तो महंगाई मुमकिन है, मोदी है तो देश का विनाश मुमकिन है, मोदी है तो बेरोजगारी मुमकिन है, मोदी है तो महिला सुरक्षा मुमकिन नहीं है, सुन लीजिएगा, मुमकिन नहीं है। महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, किसानों को सही फसल का दाम नहीं दे पाएंगे, छात्रों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे। अगर मोदी जी, मैं लखनऊ ना हो कि अभी आप बोल रहे हैं, कल को आपको आके हमारे ही चैनल में माफी मांगना पड़ेगा, मोदी जी गलती हो गया, बुलडोजर हमारे यहाँ मत भेजिएगा योगी जी से कहकर। हम लोग माफी वीर वाले पार्टी के लोग नहीं हैं, हम लोग गांधीवादी पार्टी के लोग हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं, डरेंगे नहीं, मजबूती से लड़ेंगे, ठीक है। नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी, और 24 में देश का दूल्हा तो मोदी जी करते हैं, मोदी जी मोहब्बत करते हैं, अपनी बीवी से करी थी ना, उसको भी छोड़ दिया। ऐसी मोहब्बत कि अपनी बीबी से करी, उसको भी छोड़ दिया, जो अपनी बीबी का ना हो सका वो देश का क्या होगा। लेकिन देश से मोहब्बत करते हैं मोदी जी, उनके जैसा राष्ट्रवाद आपने कभी किसी को देखा है? मैंने देखा है। किसको देखा? मैंने देखा है, सुन लीजिए, आजादी के बाद से आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर पे भारत का झंडा नहीं फहराया, इससे बड़ा राष्ट्रवाद और कुछ नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात नहीं कर, सच्चाई बोल रहे हैं, पेट में चूहे कूद रहे क्या आपके? नहीं, मेरे नहीं कूद रहे, मेरा तो सवाल है आपसे, हम तो सच बोल रहे हैं। आरएसएस का नाम लिया, आपका चेहरा उतर गया? मेरा चेहरा नहीं उतरा, मेरा सवाल है आपसे ना, तो कह रहे खुले ढंग, आरएसएस ने अपने दफ्तर पे भारत का झंडा नहीं फहराया, ये राष्ट्रवाद है? और जिस देश में महिलाओं को नंगरों से घुमाया जा रहा है वो राष्ट्रवाद है? जिस देश में इतने बड़े पैमाने मिश्रा है ना, मिश्रा है, ब्राह्मण हूँ, गर्व से कह सकते हैं इस वक्त की मैं मिश्रा हूँ, पहले कहाँ बोल पाते थे ये लोग कह रहे हैं, पहले कहाँ बोल पाते थे आप? मोदी जी की बात कर रहे हैं, मोदी जी से कहिए अपने अहंकार से बाहर आइए, नींद से उठिए और देखिए दुनिया कितनी अच्छी लगाएगी, और हमें हमारा पुराना वाला हिंदुस्तान लौटा दीजिए, कि जिसमें एकता की बात होती थी, भाईचारे की बात होती थी, एक थाली में हम लोग निवाला खाते थे। हमें मंदिर नहीं मिलेगा, राम मंदिर नहीं मिलेगा, उसमें मंदिर नहीं मिलेगा, राम मंदिर आस्था का विषय, राजनीति का विषय नहीं, पहली बात। दूसरी बात, राम हो गया नहीं, विषय हम राम मंदिर बात ही नहीं करना चाहते, पहली बात। मैं हिंदू हूँ, मैं जाऊंगा, लेकिन राम मंदिर से बड़ा मुद्दा अगर कोई इस देश में है तो बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, नेशनल हाईवे का निर्माण है, मेडिकल कॉलेज का निर्माण है, आईआईटी एम्स का निर्माण है, जो मोदी जी नहीं कर पाए और न कर पाएंगे। तो बिल्कुल इस बानों पे आप क्यों इतना खुश हैं ये बताइए, अगर उनको इंसाफ मिला, उनको न्याय मिला है तो क्या खुश ना हूँ? आपकी तरह मुंह लटका हूँ, आपका मुंह क्यों लटका है कि मोदी जी का चेहरा बेनकाब हो गया है, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है? बेनकाब नहीं हुआ है मोदी जी का, क्या बात कर रहे हैं, बेनकाब हो गया है, चेहरा देखिए जाके, देख रहा हूँ टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ना क्या है, सुबह अपने मन से पढ़ते भी तो नहीं है, सामने टेलीप्रॉम्प्टर हटा दीजिए, टेलीप्रॉम्प्टर बोल नहीं पाएंगे एक शब्द, आप क्या बात करते हैं? मतलब आप मानते पढ़े लिखे हैं मोदी जी? अगर पढ़े लिखे हैं तो डिग्री दिखा दे, अगर पढ़े लिखे हैं तो डिग्री दिखा दे, हम तो हर बार कहते हैं डिग्री दिखा दे। टेलीप्रॉम्प्टर पे कैसे पढ़ते हैं वो? सामने लिखा है, अब इतने तो हैं ही कि सामने पढ़ लेंगे, लेकिन कोई डिग्री नहीं बता पाएंगे कि डिग्री क्या है, हमें लगता है शायद 8वीं फेल हो सके, ऐसा नहीं कह सके। लोकतंत्र जो है वो भाजपा सरकार में मजबूत है। अब समझ में आया कहां से गोली घूम रही है, सुन लीजिए, अब लोकतंत्र संविधान भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी में नहीं है, जिसको रोज ये कुचलते हैं ना, ये अपने मुंह से बोलते हैं कि संविधान बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सबसे लेकिन आप खतरे में है ना, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बेटी बचाओ, ये पूरा नारा ये होना चाहिए। लेकिन आज हिंदू खतरे में है। अच्छा, देश का, सुन लीजिए, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का उपराष्ट्रपति हिंदू, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री हिंदू, विधायक सांसद हिंदू, अभी भी खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है, पूरा देश खतरे में है, सही से देखिए। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं चाय बेचेंगे, जाके चाय बेचेंगे, मतलब प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं क्या आप? चाय बेचने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं क्या? अब चाय बेचेंगे लेकिन देश नहीं बेचेंगे मोदी जी की तरह, देश नहीं बेचेंगे, ना देश बेचेंगे ना ईमान बेचेंगे, सिर्फ चाय बेचेंगे। देखिए यहाँ पर घंटा घर में हम मौजूद थे।